What's up guys, this is Guru Mann. आज मैं बात करने जा रहा हूं वो इंफॉर्मेशन जो न्यूज़पेपर में आई है और जिसको गवर्नमेंट ने मतलब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जिसके ऊपर नोटिस जारी किया है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, अवेयर करूंगा, बहुत ही जरूरी है। मेरे सामने मैंने प्रिंट आउट निकाले हैं, मुझे परसों पंजाब से चंडीगढ़ से ईमेल के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन मेरे तक पहुंची है और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अखबार में आई है और ये न्यूज़ हर कोई नहीं पढ़ता, अखबार हर कोई पढ़ता नहीं है, तो मैंने सोचा कि मेरे चैनल के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ जो दूसरी स्टेट्स में बैठे हैं दूसरी कंट्रीज में बैठे हैं। और बहुत ही ज़रूरी है, जिम्स के रिलेटेड, फिटनेस के रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सेंसिटिव टॉपिक, स्टेरॉयड के ऊपर। ये मेरे पास दो प्रिंट आउट है, एक पंजाबी न्यूज़पेपर है उसके ऊपर हेडलाइन है और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है उसके ऊपर है, मतलब इंग्लिश पंजाबी एंड हिंदी न्यूज़पेपर में है, मेरे पास दो पहुंचे हैं। टाइटल है कि जिम्स के अंदर जो स्टेरॉयड है उसके ऊपर पाबंदी लगाने के बाद नोटिस जारी किया है, किसने, हाई कोर्ट ने, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। मैं थोड़ी सी बता दूं इसके अंदर है क्या, लुधियाना के अंदर मैं किसी का नाम नहीं यहां बताऊंगा, लुधियाना के अंदर एक पटिशन दाखिल की गई थी, पटिशन लगाई गई थी, जिन्होंने पटिशन लगाई थी उन्होंने बताया था कि उनके लड़के को, उनके बेटे को जिम के अंदर जिम ट्रेनर्स ने डाइट के साथ साथ स्टेरॉयड और ड्रग्स भी रेकमेंड किए, लगाया ड्रग्स के ऊपर, स्टेरॉयड के ऊपर बॉडी बनाने के लिए, जो कि इलीगल है। तो वो जो पिटिशन है, एज अ फादर उन्होंने लोकल पुलिस में कंप्लेंट की, लेकिन पुलिस के हाथ में चीज नहीं है क्योंकि दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने हाई कोर्ट में केस किया और वहां पर हाई कोर्ट ने नोटिस भेजा है पंजाब सरकार को और उन्होंने उसके साथ साथ यहां लिखा हुआ पंजाब सरकार से जवाब मांगा है और उसके साथ साथ ऑफकोर्स जिम के ऊपर भी उनसे भी जवाब मांगा है और कार्रवाई की है। ये नई बात नहीं है, आपको ऑली मालूम है, जिस जिम में आप जिम वर्कआउट करते हैं या कोई वर्कआउट करता है इंडिया के किसी भी कॉर्नर में, वहां पर स्टेरॉइड्स सुजेस्ट किए जाते हैं और बताया जाता है कि अगर आप स्टेरॉइड नहीं यूज करेंगे तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी, जो ड्रीम बॉडी बनाना चाहते हैं, जो आप एब्स बनाना चाहते हैं वो नहीं बनेंगे, जो बहुत ही गलत इंफॉर्मेशन है, वेरी बैड, वेरी सैड। इस टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बताता हूँ, जितनी बारी मैंने वीडियो बनाई है मैंने बताया हुआ है कि अगर आपका जिम ट्रेनर आपको ड्रग्स रेकमेंड कर रहा है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिम के ट्रेनर का काम है एक्सरसाइज बताना, एक्सरसाइज स्केड्यूल देना, अगर उन्होंने न्यूट्रिशन का भी सर्टिफिकेशन की हुई है, नॉलेज है, तो वो डाइट प्लान एंड वर्कआउट प्लान का कॉम्बिनेशन देते हैं। ड्रग्स एक मेडिकल फील्ड है, जो डॉक्टर से एडवाइस के बगैर, डॉक्टर के सुजेशन से बगैर नहीं यूज किया जा सकता, इसका मतलब डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, रेकमेंड करते हैं। और ये चीज बहुत कॉमन है कि जिम के ट्रेनर्स आपको ड्रग्स का साइकिल ड्रग्स के ऊपर लगाते हैं, जो विच इज वेरी बैड। तो यहां पर मैं एक रिक्वेस्ट जिम ट्रेनर से कर रहा हूं, जो कि मेरे छोटे भाई बोल लो, अगर मेरे से बड़े हैं तो बड़े भाई बोल लो, आप ये चीज स्टूडेंट्स को रेकमेंड ना करें, बिल्कुल ना करें। डाइट एंड न्यूट्रिशन जो मेन ट्रेनर्स का काम है, जो मेन रेपुटेशन खराब है इंडिया के अंदर, वो उसको और ना खराब की जाए। ये केस किसी ने किया है, किसी फादर ने किया है किसी जिम के ऊपर, और ये केस किसी भी समय किसी भी ट्रेनर पर हो सकता है क्योंकि इट्स इलीगल। यहां पर लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर पाबंदी लगाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट, यहां मैं हाई कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट, इसका पूरे इंडिया के अंदर इसकी यूज करने की पाबंदी है, मतलब है इसको बिना मेडिकल एडवाइस के बगैर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, मतलब डॉक्टर अगर आपको लिख कर देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे तो इट्स इलीगल ड्रग। बाकी एक और चीज है कि हाई कोर्ट ने नोटिस के अंदर यहां लिखा हुआ है कि जो जिम्स के अंदर ट्रेनर्स फूड सप्लीमेंट सेल कर रहे हैं वो बैंड है, क्योंकि
विदाउट लाइसेंस यू कैन नॉट सेल सप्लीमेंट इन द जिम. आप ये समझना जरूरी है, आपके फूड लाइसेंस होना जरूरी है जिम के अंदर सेल करने के लिए. डू यू हैव अ फूड लाइसेंस, डू यू हैव अ जीएसटी? फूड लाइसेंस और जीएसटी होना जरूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल सेल करने के लिए. तो अगर जिम सप्लीमेंट सेल कर रहे हैं तो वो भी गलत है. यहां पर लिखा हुआ है क्लियरली, बैन किया गया है हेल्थ क्लब्स एंड जिम्स फ्रॉम सेलिंग फूड सप्लीमेंट्स, स्टेरॉइड्स, इंजेक्शन एंड ड्रग्स टू बॉडी बिल्डर्स एंड ट्रेनीज विदाउट लाइसेंस एंड रिटन प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर. तो आप समझ सकते हैं, सो बी स्मार्ट. देखो मेरा काम यहां पर अवेयर करना है, दैट्स इट. मैं अवेयर ही कर सकता हूं, मैं गवर्नमेंट का बंदा तो हूं नहीं, आप जैसा हूं, लेकिन एक आपको सही और सही एडवाइस देने का काम मेरा जो है मैं वही दूंगा. तो यहां पर आप ये बिल्कुल गलती ना करें. ट्रेनर्स, जिम ओनर्स, बॉडी बिल्डर्स, जो भी है, प्लीज आप किसी स्टूडेंट्स को ड्रग्स के ऊपर ना लगाएं, स्टेरॉयड ना सुजेस्ट करें. कोई भी आपकी कंप्लेंट कर सकता है और वो आपको वहां पर देर इज इट्स इलीगल. यहां पर सजा भी है, तो यू डोंट वॉन्ट आपकी रेपुटेशन भी खराब हो. अगर आपकी फिजीक अच्छी है, आपकी अच्छी रिस्पेक्ट है और आप किसी स्टूडेंट को ड्रग्स के ऊपर लगा रहे हैं, तो जब वो कहीं गलती से बोल लो या किसी ने भी यू नेवर नो आपकी कंप्लेंट की, तो आपकी रेपुटेशन के ऊपर, इतनी मेहनत के ऊपर भी आपका पानी पड़ेगा, और विच इज़ नॉट गुड. और एंड कीप योर स्टूडेंट्स हेल्दी, यू नो, उनको डाइट और एक्सरसाइज के ऊपर ही रखें. सप्लीमेंट्स, अगेन सप्लीमेंट्स सजेस्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि जिम के अंदर सप्लीमेंट्स बिकते हैं विदाउट लाइसेंस, वो भी ठीक नहीं है. इसीलिए इंडिया के अंदर हमारे वो ऑथेंटिसिटी की प्रॉब्लम है. तो आपको ये भी नहीं मालूम कि जब लाइसेंस किसी के पास नहीं है तो वो कहाँ से आ रहा है माल और आगे कैसे बिक रहा है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना तो गवर्नमेंट के पास है. क्योंकि जब लाइसेंस ही नहीं है तो कहाँ पर किस इनवॉइस रिसीव तो होगी, कहाँ पर वो सेल हुआ है. तो ध्यान रखें इन चीज़ों के ऊपर. इंडिया के ऊपर पहले ही दो नंबर का काम बहुत ज़्यादा है. तो जब हम हेल्थ की बात करते हैं, यहाँ पर दो नंबर का काम नहीं, एक नंबर का काम चाहिए. दिस इज जस्ट अ स्मॉल रिक्वेस्ट वीडियो ट्रेनर्स के लिए, बॉडी बिल्डर्स के लिए और जिम ओनर्स के लिए. अगर वो सजेस्ट करते हैं, प्लीज डू नॉट डू दैट, क्योंकि दिस इज अ नोटिस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. दैट्स इट गाइस, टेक केयर. दिस इज गुरु मान. बाय.